चांद से आई एक बड़ी खुशखबरी, उठने वाले हैं हमारे विक्रम और प्रज्ञान। जी हाँ दोस्तों, लगता है 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं अब काम करने लगी है, क्योंकि नए ताजा अपडेट के अनुसार इसरो सेंटर से खबर आई है कि विक्रम और प्रज्ञान अब उठने वाले हैं। यहाँ अब धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है और जब हमने चांद पर लैंडिंग करी थी उतना ही होने वाला है। चांद पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, हर भारतवासियों के दिल में टेंशन बढ़ती जा रही है। विक्रम और प्रज्ञान को क्या हुआ होगा, यह क्वेश्चन सभी सोशल प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनल पर छाया हुआ है। सभी लोग कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे दोनों सिर चांद पर एक बार और दहाड़ सके। लेकिन आपको बता दें कि सभी आशंकाओं के बीच हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जो आपके मन में ठंडी होती हुई उम्मीद को फिर से जगा देगा। आज हमारे वैज्ञानिकों ने शाम 6 बजे विक्रम और प्रज्ञान का तापमान चेक किया। खबर है कि विक्रम और प्रज्ञान का तापमान अब उतना पहुंच चुका है जितना कि वह पिछले 15 दिन से काम कर रहे थे। इस तापमान की जानकारी हमें वहां पहले से मौजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने दी है। आपको यह तस्वीर तो जरूर याद होगी, इसे इसरो द्वारा 9 सितंबर को ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। यह फोटो भी हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने क्लिक की थी। DFRA एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो हाई रिजोल्यूशन पॉलीट्रीमेट्रिक मोड में तस्वीर लेता है, यानी कि धातुओं से निकलने वाली हीट और रोशनी को ये बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, चाहे वह धातु प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो। यानी कि अब पूरी संभावना बन गई है कि हमारे दोनों से कभी भी चांद पर दहाड़ सकते हैं। अगर ऐसा जल्दी हुआ तो भारत एक बार फिर से दोबारा इतिहास रच देगा। और वैज्ञानिकों द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि विक्रम और प्रज्ञान नींद से जागने के बाद लगभग 6 महीने तक और चांद पर काम कर सकेंगे और साथ ही हमारे लिए न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, हमारे विक्रम और प्रज्ञान की जीने की संभावनाएं अधिक इसलिए और मानी जा रही है क्योंकि यह पहली बार नहीं हो रहा है। चीन और रूस के सोलर मिशन के साथ भी यह घटनाएं हो चुकी है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि ऋषि लूनर रोवर, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था, यह एक 8 पहिए वाला रोवर था जिसने लगभग 8 महीने चांद की सतह पर बिताए। ये लगभग 2.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें जो 8 पहिए लगे थे वह स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे और इसके अलावा कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक भूकंप मापी यंत्र भी लगा था। साथ ही साथ रोवर में एक लेजर रिफ्लेक्टर भी लगाया गया था ताकि वैज्ञानिक चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी को सही से माप सके। रूस के सरोवर मिशन ने भी चांद पर लगभग 3.5 महीने का समय बिताया था। लेकिन चांद पर उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि वैज्ञानिकों का संपर्क टूट जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वैज्ञानिक वापस दोबारा कनेक्शन बनाने में सफल हो जाते हैं। 4 महीने बाद यह रोवर फंक्शन नहीं कर पाया और अभी भी चंद्रमा की सतह पर इसके अवशेष जरूर मौजूद होंगे। इस रोवर की खास बात यह थी कि इसने वहां लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा तय की, जो कि अभी तक कोई भी मून मिशन नहीं कर पाया है, और इसने 20,000 से भी ज्यादा इमेज वैज्ञानिकों को भेजी थी। दोस्तों, चीन के भी कुछ मिशन 2019 में चांद पर रात बीतने के बाद सर्वाइव कर गए थे और सुबह होते ही अपने काम फिर से शुरू कर दिए थे और पिछले 5 साल से अभी तक काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि उनमें ऐसा क्या था जो वह चांद की भयानक -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी झेल गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के रोवर में भी सोलर बैटरी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चीन की सोलर बैटरी और हमारी बैटरी में बहुत अंतर है। चीन ने प्लूटोनियम-238 का इस्तेमाल किया है और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि चांद पर रात होने के बाद यह उसके सिस्टम को ऑटोमेटिक हीट देती रहे ताकि इसकी बैटरी पूरी तरह डेड ना हो। इसका भी कनेक्शन चीन के वैज्ञानिकों से टूट गया था, लेकिन कुछ समय बाद वैज्ञानिक वापस कनेक्शन स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और यह आज भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक प्रज्ञान और विक्रम को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी मदद रूस और जापान के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। वे उनके स्पेस सेंटरों से भी इन दोनों को सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं पहुँच पा रहे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी अपने स्टेशन से इन्हें जगाने के लिए लगातार सिग्नल भेज रही है और 10 अक्टूबर तक यह लगातार होते रहेगा जब तक कि ये दोनों जाग नहीं जाते। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनको कुछ समय बाद जरूर सिग्नल मिल जाएगा और यह दोबारा फिर से अपने काम में लग जाएंगे।
20 सितंबर 2023 को लगभग 15 दिन बाद चांद पर सूरज की रोशनी निकली थी। रोशनी निकलते ही चांद का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ते ही विक्रम और प्रज्ञान के एक्टिव होने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी और हमारे विक्रम और प्रज्ञान जल्द ही धरती पर वापस से सिग्नल भेजेंगे। साइंटिस्टों का कहना है कि ये होगा या नहीं यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी विक्रम और प्रज्ञान का तापमान बढ़ने लगा है तो अच्छी खबर आने की उम्मीद भी बढ़ गई है। चंद्रयान 3 के दोबारा नहीं जागने की खबर हमसे जलने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा बहुत ही फैलाई जा रही है। ये भारत को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भारत हर बार इनके मुंह पे तमाचा मार देता है। और अब विक्रम और प्रज्ञान भी नींद से जागकर इनके द्वारा फैलाई गई नेगेटिव न्यूज़ को गलत साबित कर देंगे। दोस्तों, ये टेंशन भरे माहौल में हमारी पॉजिटिव खबर आपको कैसी लगी? और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करें। इस अच्छी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं ताकि वह भी कुछ नया सीख पाएं। साथ ही आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।